हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है इज डे ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं इससे पहले ट्वेंटी फाइव लेक्चर हो चुका है चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर है एक्सरसाइज वन पॉइंट वन हमने कंप्लीट कर लिया है नाव एक्सरसाइज वन हम एक स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही जल्द अब कम्प्लीट हो जाएगा ओके तो आप सभी से इम्पोर्टेंट जानकारी पहले ये कि प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल एस सी डिजिटल जोन को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक शेयर से करें जिससे अधिक से अधिक hmm. लोगों के पास और स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके तो आइए आज हम लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम नंबर लाइन पर तो कैसे ये हमें पता चलेगा एंड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे पहले हमने कई बार देख लिया है बट यहाँ पर एक एक कर शॉर्ट में हम लोग देखेंगे तो सबसे फर्स्ट हम लोगों के एग्जिस्टेंस में जो नंबर आया है वो है नेचुरल नंबर जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं एंड नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे फर्स्ट इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो नंबर लाइन पर हम लोग इस ढंग से मार्किंग कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस का जिसे कि हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो वन करके जो जाएगा ये क्या है ये एक नेचुरल नंबर है तो इस ढंग से अगर हमें कोई कहता है कि आप फाइव को रिप्रेजेंट करें तो हम इस ढंग से यहाँ पे शो कर देंगे कि ये क्या है फाइव है ओके okay? तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमने जो अभी रिप्रेजेंट किया ये आपके सामने में नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने आपको बताया नाउ सेकेंड इज होल नंबर होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड होल नंबर को हम लोग कंप्लीट नंबर भी कहते हैं ओके कंप्लीट नंबर कहने के पीछे का रीजन कुछ खास नहीं है बस ये है कि काउंटिंग नंबर के बाद ये जो हमारा नेचुरल नंबर है जो कि काउंटिंग नंबर है इसके बाद हमें कुछ नंबर्स की कमी पड़ रही थी एंड उस कमी को पूरा किया गया इस जीरो के माध्यम से जब ये जीरो आ गया तो हमने यह कहा कि अब ये कंप्लीट नंबर हो गया बट ऐसा नहीं था इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स बच रहे थे जो फ्रैक्शन में थे डेसिमल में थे ठीक है नेगेटिव थे तो वो सब बच रहे थे लेकिन फिर भी इन्हें कंप्लीट नंबर बोला गया था उस टाइम में तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया जीरो को तो ये अब हमारा होल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया ठीक है एंड ये जो हमारा है ये है नंबर लाइन इसे हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं ये हमारा नंबर लाइन ठीक है नाउ जो थर्ड हमारा है वो हमारा इंटीजर है इंटीजर को हम लोग जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं तो इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे फर्स्ट जब हम लोगों को नेचुरल नंबर एंड होल नंबर मिल गया तो इसके बाद हमें कमी महसूस होने लगी कि नेगेटिव के बारे में अब हम आगे जा रहे हैं और उसको हम अगर कुछ अलग लेट कर रहे हैं तो पीछे जाने को हम क्या लेट करेंगे तो सीधी सीधी बात है नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ी तो हमने डायरेक्ट जो वन टू थ्री फोर काउंटिंग नंबर था यहाँ से लेकर आगे तक इसको हमने इधर नेगेटिव में कर दिया ठीक है तो इस तरीके से ये नंबर बढ़ता बढ़ता प्लस इन्फाइनाइट तक चला जाएगा एंड ये बढ़ता बढ़ता माइनस इन्फाइनाइट तक चला जाएगा ठीक तो इस तरीके से जब ये चला जाएगा तो एंड यहाँ पे हमारा ज़ीरो बच बच गया जो कि हमारा ज़ीरो है तो ये सारे कंप्लीट नंबर्स को एक साथ हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं ये सभी इंटीजर्स की लिस्ट में है ठीक है एंड ये तो हमारा नंबर लाइन जैसा था एकदम वैसा ही है इसमें चेंजिंग नहीं होगा नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर सभी के लिए है ये लाइन मीन नंबर लाइन ठीक है ना अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर पर जिसे हम लोग परिमय संख्या बोलते हैं हिंदी में एंड ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ठीक है जहां पे q नॉट इक्व टू जीरो क्यू जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा अगर जीरो होगा तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा ठीक है तो अब यह रेस्ट्रेट नंबर कौन सा है तो सबसे पहले मैं ऊपर में जो भी नंबर हम लोगों ने लिया था मैं उसे एक बार आपके सामने में रिप्रेजेंट कर दूँ फिर हमें पता चल जाएगा एंड फिर हम बता भी पाएंगे आपको अच्छे से तो इस तरीके से हमारे पास नंबर है यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर एंड इधर जाएंगे तो यह नेगेटिव नंबर है ठीक है तो ये पॉजिटिव हो गया एंड इधर नेगेटिव हो गया अब मैं एक बात करूँ जैसे कि मैं बाई यहाँ पर टू कर दूँ तो ये जो थ्री बाई टू हो गया ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया एंड ये एक रैशनल नंबर हो गया रैशनल नंबर तो हमारा बाकी सभी है टोटल अभी तक हमने जितना भी देखा वो सभी रैशनल नंबर की लिस्ट में आते हैं बट ये जो थ्री बाई टू हो गया तो ये रैशनल नंबर हो गया ठीक है तो इस तरीके से हम लोग जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करने को बोला जाएगा हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे अब इस टॉपिक के बाद हमारे पास एन uh, सी -E के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन uh, है जो कि ट्राइडीज़ में एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि नंबर लाइन के बेस्ड पर, बेस्ड पर है तो क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन ये बोलता है कि राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेवल विद अ लेटर कुछ पॉइंट्स है जो कि uh, लेवल किया गया है लेटर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रेशनल नंबर हमें लिखना है जितना भी पॉइंट्स लेवल किया गया उसके लिए मीन्स ए बी सी डी ई जो लेवल किया गया है इसके अनुसार हमको रेशनल नंबर लिखना है तो सबसे फर्स्ट ये था जीरो बाई फाइव ये था टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव सिक्स फाइव सेवन एट नाइन एक चीज़ यहाँ पर देखने में लग रहा है कि जीरो के बाद वन होगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व देख रहे हैं मीन्स ये कंटिन्यूअसली नंबर था एंड इसको हम लोगों को ये शो करना है कि यह नंबर कौन सा था ठीक है तो हम इसे आसानी से देख लेंगे क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि ये एक इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो ये रहा हमारा नंबर तो हमारा आंसर जो हो गया वो यही सारा हो गया ए है वन बाई फाइव बी फोर बाई फाइव सी फाइव बाई फाइव डी एट फाइव फाइव ई नाइन वाई फाइव ओके तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बस यही हमें काम करना था ना जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है Uh, वो भी uh, सेम इसी तरह है बट थोड़ा सा uh, डिफर है तो यह जो एट क्वेश्चन है सॉरी सेकंड क्वेश्चन इस हम लोग देखते हैं तो इसमें कुछ नहीं इसमें नेगेटिव नंबर है एंड इसमें भी सेम है देखिए ज़ीरो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन ऐसे ऐसे करके मीन्स यहाँ पर होगा माइनस टू बाई सिक्स यहाँ माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस सेवन बाई सिक्स माइनस एट बाई सिक्स एंड यहाँ माइनस अलेवन बाई सिक्स क्योंकि यहाँ माइनस टेन बाई सिक्स है यहाँ ट्वेल्व बाई सिक्स है तो ये एक पैटर्न रेगुलर पैटर्न के तौर पर था जिसमें कि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एस सी सी डिजिटल जोन को सब्सक्राइब करें खुद भी हेल्प लें दूसरों को भी इसका जो बेनिफिट है वो उसे भी दें एंड दूसरी सबसे बड़ी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें तो इसके लिए मैं आपको बताने के लिए बहुत कुछ है बट मैं जो मेरा जो मकसद है जो इस चैनल का जो व्यू है और जो मेन जो एम है वो ये है कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वो हायर एग्ज़ाम तक ठीक है प्राइमरी से लेकर जो हायर एग्ज़ाम तक है उसमें मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके लिए कई बारे बहुत सारी हैं होती रहती है स्टूडेंट्स को तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है एंड कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ बाकी जो हेल्प बुक हैं उनके लिए भी कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करना है और वो भी इस ढंग से जैसे कि हम लोग क्लास में करते हैं अभी जितना भी हम लोग लेक्चर कर रहे हैं ये आपके सामने में हम लिख कर कर, कर रहे हैं इसमें कोई आम, ये पी फॉर्मेट नहीं है जिसमें कि हम आपको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम खुद से इसको तैयार कर रहे हैं खुद से हम लिख रहे हैं एंड फिर आपको समझा रहे हैं ठीक है तो हाँ थोड़ा सा मैटर कम पड़ जाता है बट एक ये भी है कि बहुत कुछ एक बार देखने से नहीं होता है रोजाना हम लोग देखेंगे रोज़ाना जब हम स्टडी करेंगे तो उसकी बात अलग होगी अब एक ही बार हम देख लेंगे बहुत सारा तो वो एक दूसरी बात हो जाती है थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है पर